हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लादी पाव की रेसिपी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बाउल में एक कप दूध लेंगे। दूध हल्का गर्म होना चाहिए। अब इसमें 2 टीस्पून मैं चीनी डालूंगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि चीनी मिक्स करने में दूध ठंडा हो चुका है तो थोड़ा सा गर्म फिर से कर लें। अब मैं 2.5 टीस्पून इसमें ईस्ट डालूंगी। ड्राई ईस्ट मैंने डाला है और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए एक साइड में ढककर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अगर ईस्ट ऊपर की तरफ आ जाता है इस तरीके से, इसका मतलब आपका खमीर रेडी है पाव बनाने के लिए। अगर ये नहीं आता ऊपर तो आप बिल्कुल पाव ना बनाएं। अब मैं इसमें 3 कप मैदा लूँगी और मैदे को अच्छी तरीके से चाल लूँगी। ईस्ट एक्टिव होने के बाद पाव बनाने से पाव बहुत सॉफ्ट होता है, नहीं तो पाव फूलेगा ही नहीं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं 1/4 कप हल्का गर्म दूध और डालूंगी। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून और दूध डाला था। मैदा इसी तरीके से हमारा शुरुआत में गीला होना चाहिए। मैदा मिलाते मिलाते ही अच्छी डो की तरह ये बन जाएगा। 15 मिनट तक इसे हमें इसी तरीके से मिलाते रहना है। मैदे को मैंने 10 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, सान लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बटर डालूंगी और फिर से मैं मैदे को 5 मिनट के लिए इसी तरीके से मसलूंगी। पाव के लिए मैदा तैयार करने में हमें 15 मिनट लगेगा ही। आप किसी भी टाइप की बेकिंग करना चाहते हो, चाहे पाव बनाना, केक बनाना या फिर बिस्किट बनाना चाहते हो, तो आपके पास मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ज़रूर होना चाहिए। बिना इन दोनों के आप परफेक्ट बेकिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट के बाद हमारा ये डो तैयार हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं एक बाउल में अच्छी तरीके से बटर लगाकर इस डो को रख दूंगी। या तो एक बड़े एयर टाइट कंटेनर में आप इस डो को बटर लगा के रखें या फिर आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए 1 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पर छोड़ देंगे। 1 घंटे में देखिए कितना अच्छा खमीर उठा है इसमें और डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे फिर से एक बार मसल लूँगी और उसके बाद इसका बॉल बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से इसे फिर से हमें मसल लेना है। इसे अच्छे से तरीके से मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल बना के केक टिन में मैं सेट कर दूँगी। केक टिन में मैंने पहले से बटर लगा कर रखा था ताकि ये आसानी से निकल जाए बनने के बाद। इसका छोटा बॉल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए चारों तरफ से, ताकि जब बनेगा तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए मैंने सारा बॉल तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फिर से ढककर छोड़ दूंगी। मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को प्रीहीट कर लिया है और मैं उसी पे इसे बेक करूँगी। और देखिए मैं इस पे हल्के हाथों से ब्रश की सहायता से दूध लगा रही हूँ ताकि ये इसका लेयर ड्राई ना हो, ऊपरी लेयर। अब मैं इसे ओवन में डाल दूँगी बेक होने के लिए। 20 मिनट तक इसमें बेक होने के बाद देखिए हमारा पाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे बटर लगा दूँगी अच्छी तरीके से। अब बटर लगाने के बाद मैं इसे गीले कपड़े से ढक कर 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। देखिए हमारा पाव बिल्कुल तैयार है और ये कितना सॉफ्ट है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा पाव बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाइए और मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है और कितनी अच्छी इसमें जाली आ गई है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितनी अच्छी जाली इसके अंदर आई है, इतना सॉफ्ट बना है। मैं इसे हर तरह से दबाकर आपको दिखा रही हूँ। ये फिर से अपने शेप में आ जा रहा है। देखिए बिल्कुल रूई की तरह सॉफ्ट बना है। ये खाने में बिल्कुल मार्केट की तरह लगता है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका पाव कैसा बना है।
आप इसे पाव भाजी के साथ या चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है और कितना सॉफ्ट बना है। थैंक यू।